नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंक मुंबई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। आगे बढ़ते हैं, जोया शेख को मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पे। नवी मुंबई आइडल आज का ये फर्स्ट राउंड चल रहा है। नवी मुंबई में पहली बार नवी मुंबई आवाज और रफीस फैन क्लब की मदद से, और इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है 15 जनवरी 2017 तक। तो आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसका ग्रैंड फिनाले है 17 फरवरी 2017 एट विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम। आइए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबको। हेलो, आई एम जोया शेख, आई स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड इन नॉर्थ पॉइंट स्कूल। ओके, और आज आप सबको क्या सुना रहे? भागे रे मन। वो क्या रहता है? भागे रे मन। भागे रे मन, अच्छा मुझे लगा आप यहाँ से भाग जाओगे। ओके, आइए सुनते।
क्या बात है जोया जी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया आपने। लेकिन मुझे आप बताइए, आज के राउंड में तो स्लो सॉन्ग परफॉर्म करना था, ये स्लो सॉन्ग है क्या फास्ट सॉन्ग है? क्या किया आपने, क्या किया, सही बता रहा हूँ मैं? तो अभी जजेस क्या कहेंगे इस बात में, क्या करें? धीरे धीरे भाग रही थी। अच्छा, धीरे धीरे भाग रही तो वैसे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ओके, बताइए कैसे लगा इनका परफॉर्मेंस आपको आज? जोया अगेन, जैसे एक और कंटेस्टेंट के लिए कहा था, जब भी कैरियोके पे आप गाते हैं तो कैरियोके का एक अपना स्केल रहता है। आप शायद उतना ऊंचा नहीं गा सकते, आप थोड़ा नीचे गाते हैं। तो जब भी आप गाना सेलेक्ट करते हैं और ट्रैक सेलेक्ट करते हैं, एक बार देख लीजिए आप सेम स्केल पे कंफर्टेबली गा पा रहे कि नहीं, क्योंकि शुरुआत में आप वो कैच नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर जब स्टैंजा पे आए तो आपने नोट्स कैच कर लिए, आपने स्केल कैच कर लिया। जो मुझे पसंद आया आपके परफॉर्मेंस में, वो आपका जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन था बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। स्माइल करके एंड बहुत ही प्यारे जेस्चर्स। थैंक यू मैम। धनंजय जी, ओवरऑल गाना उन्होंने बढ़िया गाया, लेकिन थोड़ा भाग रहे थे, जरा भागे रे मन मेरा, क्या भागे रे मन कही, तो जो सुर है वो सुर जरा थोड़ा आपको जरा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और बाकी तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुर ताल पे मेहनत करनी पड़ेगी, और स्केल थोड़ा आपका थोड़ा कम लगा, जरा थोड़ा सा स्केल जो आपको लेना चाहिए था उसने वो लिया नहीं आपने, बराबर ना? ओके, क्या बात है सुभाष जी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जैसे हमारी जब पहली मीटिंग हुई थी नवी मुंबई आवाज़ के साथ, तो उन्होंने उनसे मैंने यही बात की थी कि हमें जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ऑलरेडी उसका ग्रेड पसंद नहीं, तो हम कुछ अलग ग्रेड के साथ आपके सामने पेश आएंगे। और जिसका आज आप एपिसोड फर्स्ट एपिसोड देख रहे हैं कि जिसमें हमने कुछ थीम्स दी है और आपको उस थीम को निभाना है। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको स्लो सॉन्ग परफॉर्म करना है, सेकेंड राउंड में आपको फास्ट सॉन्ग परफॉर्म करना है, थर्ड राउंड में आपको राग बेस्ड सॉन्ग परफॉर्म करना है, फोर्थ राउंड में फोक आपको परफॉर्म करना है, और फिफ्थ राउंड में रॉक एंड रोल। तो मुझे लगता है नवी मुंबई में फर्स्ट टाइम इस तरह का कॉन्टेस्ट हो रहा है जहाँ पे सही मायने में जो सिंगर्स है वो हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म का पूरा पूरा लाभ उठाइए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मैं बुलाना चाहूंगा मरीशा नाथ। आपको कहीं पे ऐसे देखा हुआ लगता है टीवी स्क्रीन के ऊपर, कुछ सीरियल में वगैरह आप काम करते हैं क्या? नो। फिर कैसे ऐसे एकदम जाना पहचाना सा फेस लग रहा है? उस दिन मैं प्रैक्टिस करने आई थी। ओहो, प्रैक्टिस में आई थी। ओके, मैं सोचा आप किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। तो आप क्या सुना रहे हैं आज सबको, आपका परिचय भी दीजिए और क्या सुना रहे बताइए सबको। माय नेम इज मरीशा नाथ, आई एम स्टडिंग इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, द नेम ऑफ माय स्कूल इज न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। कहानी
क्या बात है, क्या बात है, आप कहाँ सीखते हैं म्यूजिक? किनके पास जाते हैं आप म्यूजिक सीखने के लिए? रितिका नंदी मैम। वो कहाँ रहती है? कोपर कैन। वाह क्या बात है, मुझे लगता है कि नवी मुंबई आइडल का जो हमने स्टेज बनाया है सही में काम कर रहा है, हमें आपके जैसे हीरो की तलाश है। कैसे लगा मैडम आपको इनका परफॉर्मेंस? आप कौन सी स्टैंडर्ड में हैं? फिफ्थ स्टैंडर्ड। आप बोल रहे हो तो मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि आपने इतनी गहराई से गाया, हम सब खोए हुए थे आपके गाने में। थैंक यू। बहुत प्यारा, बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत मेहनत की है और क्लासिकल तो आप सीख रही है, तो मुझे सुर एकदम परफेक्ट लगा आपका। थैंक यू। और आपने बहुत रियाज किया हुआ है, कीप इट अप, आप बहुत आगे जाओगी। थैंक यू। क्या बात, क्या बात। नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंडलुम्बई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। जिंदगी गले लगा ले